अस्सलामुअलैकुम, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुकिंग विद उर्वा में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हमारी रेसिपीज इंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन, न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। चले बगैर किसी देर के आज की रेसिपी की तरफ चलते। तो आज हम बना रहे हैं लहसुनों का अचार, जिसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, सबसे पहले हमने लहसुने ले लिए, उनको जो है वो हमारे पास इस तरह के थे। हमने जो है पहले उनको अच्छे से जो है वो वॉश कर लिया था, उसके बाद जो है इसकी जो डंडियां थी वो उतार ली। आप देख सकते हैं अच्छे से जो है हमने इनको वॉश कर लिया, साफ कर लिया। इसके अंदर जो बाकी मसाले ऐड करेंगे वो हमारे पास है। हमने सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, हमने लहसुनों को जो है वो फ्राई करना है, जिसके लिए हमने जो है दो मसाले लिए। एक तो हमारे पास नमक चला जाएगा और एक हल्दी चली जाएगी। हमने जो है वो सरसों का तेल लिया था, उसको अच्छे से जो है वो गर्म कर लिया। इसके अंदर हमारे जो लहसुने हैं वॉश किए वो ऐड करेंगे, साथ ही हमारा जो है वो नमक चला जाएगा। हमारी जो क्वांटिटी है लहसुनों की वो 1.5 किलो है। इसके अंदर हमने इसके अंदर जो है वो 1.5 चम्मच नमक का ऐड किया और 1.5 चम्मच जो है वो हल्दी ऐड की। अब इनको जो है वो फ्राई करेंगे हम सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे लहसुने थे वो फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसको 6 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट तक जो है हम इनको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे लहसुने थे वो अच्छे से जो है वो फ्राई हो गए। आप देख सकते हैं जो चम्मच में ये जो इस तरह के ये जो लहसुने होते हैं वो चिपचिप से थोड़े से होते हैं, तो उनकी जो सारी चिपकाहट है वो इस तरह से जो है वो चम्मच के ऊपर आ गई है, इस तरह से जमा हो गई। तो इस पॉइंट पे जो है वो आपके लहसुने जो होंगे वो फ्राई हो चुके होंगे। अब जो लहसुने हैं वो फ्राई हो गए हैं हमारे, अब इनको जो है वो चूल्हे से उतार लेते हैं। और चूल्हे से उतारने के बाद जो है वो इनके ठंडे होने का हम वेट करेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर आगे का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे लहसुने थे जो हमने फ्राई किया था वो जो है वो ठंडे हो चुके हैं, आप इनका लुक देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो मसाले ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले जो है वो मेथी दाना चला जाएगा। इसके अलावा कलंजी जा रही है इसके अंदर, साथ ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली और लाल मिर्च कुटी भी ली है, साथ ही हमने जो है वो साबुत धनिया लिया है, सौंफ ली है और साबुत जीरा लिया है। अब हमारा जो जीरा, सौंफ और धनिया है और साथ ही हमारी जो ये कलंजी है, इसको जो है हमने पीसना है। ये जो हमारे सारी चीजें हैं जिसमें हमारे पास मेथी दाना, सौंफ और इसके अलावा साबुत धनिया और जीरा, इसको जो है वो मोटा मोटा कूट लेंगे। इन चीजों को कूटना और ये जो चीजें हैं ये ऐसे ही इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो चीजें थी हमने उनको जो है वो मोटा मोटा कूट लिया है, इस तरह का आप देख सकते हैं सारी चीजों को। अब इसके अंदर जो हमारे लाल मिर्च थी कश्मीरी और लाल मिर्च कुटी हुई वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और साथ जो है वो कलंजी चली गई है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं सारा मसाले के साथ। अब अपने मसाले में 1 चम्मच जो है नमक का ऐड करेंगे, और हमारे पास जो हमारे लहसुने थे जब उनको हमने फ्राई किया था तो उसके अंदर हल्दी और नमक भी डाला था, तो आप उसमें जो है वो नमक देख सकते हैं। अगर उसमें ज्यादा हो तो यहाँ पे आप कम कर सकते हैं नमक। नमक भी ऐड कर दिया है हमने। अब सारे मसालों को जो है मिक्स कर लिया अच्छे से। अब जो है वो लहसुनों में मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने मसाले जो हमारे सारे थे वो इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं, और हमारा जो लहसुनों का अचार है वो रेडी हो चुका है। इसको अब आपको सर्व करके दिखाते हैं कि इसका फाइनल लुक कैसा लगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको सर्व कर दिया। अब इसके अंदर हम अपना जो है वो सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो तेल को जो है वो पका के डालते हैं, हम पकाए बगैर ऐसे ही कच्चा ऐड कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप पका के डालना चाहें तो पका के डाल दें, अगर आप नहीं डालना चाह रहे पका के तो ऐसे भी डाल दें, ऐसे भी ये खराब नहीं होगा। इस तरह से जो है आप तेल डाल के और इसको जो है पूरा साल जो है वो चला सकते हैं, और आसानी से आराम से ये खराब नहीं होगा। आप किसी जार में या किसी बॉटल में जो है वो डाल के रख दें और आपका जो है ये जार जो है वो खराब नहीं होगा।
तो ये रहा हमारा जो है वो लसूड़ों के अचार का फाइनल लुक। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो कैसी लगी। और अचार के खराब होने की एक ये भी वजह होती है कि आप जो है पानी वाले हाथ इस पे लगा लेते हैं, तो आप अगर पानी वाले हाथ इस पे नहीं लगाएंगे तो अचार जो है वो आसानी से जो है वो काफी लंबे अरसे के लिए सही रहेगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।